का भी फोन आया। हाँ, लड़की ने यही कहा था कि डैडी मेरे को ले जाओ, ये मेरे को बख्शेंगे नहीं, अब बहुत हो गए, मेरे को मारेंगे, मारने भी फिर रहे हैं मेरे को, सारा परिवार दांत पीस रहे हैं मेरे को, ये बख्शेंगे नहीं, ले जाओ। लड़के मेरे को बोले पापा ये तुमने कहा गड्डी में, खबर वो गड्डी का अपना कौन पे होता है, अगर मेरा गड्डी का ब्याह होता तो मैं पहले दे देता। जब तक दो रहने ने बाकी और की उतारने को जदल का संस्कार नहीं करनी नीचे साथ की याद करी यही है जी, मतलब देश के लिए प्रताड़ित करना, पीटना, मारना, छेदना, गाली गलौज और रोज का उस परिवार का सारे का किस्सा ही बना हुआ था जी। क्योंकि आज हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को ये डर लगता है मेरे को समाज क्या बोलेगा, चाहे लड़की का कसूर है ना, लेकिन कसूरवार लड़की को ही ठहराता है ये समाज। और इस समय मौजूद है कैथल के करनाल रोड चौक जो पुंडरी की तरफ जाता है, जहाँ पर जो ध्वस के जो लोग हैं यानी लड़की पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है वो जाम लगा दिया गया। कैथल के पुंडरी रोड की तस्वीर, कैथल के करनाल रोड से पुंडरी रोड की तस्वीर है, जहाँ डेड बॉडी को रखकर जो है परिजनों ने जो है वो जाम लगा दिया है। गाँव ध्वस के ये लोग हैं जिन्होंने ये जाम लगाया है। साफ तौर पर इनका कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही थी, जिससे असंतुष्ट होकर जो है गांव ध्वस के जो लोग हैं उनके द्वारा जाम जो है लगा दिया गया। बता दें कि पूरा मामला क्या है, गांव ध्वस से लगभग 4 से 5 महीने पहले एक युवती जिसका नाम प्रियंका बताया जा रहा है, उसकी शादी गाँव क्योड़क के अभिषेक नामक लड़के से की गई, जिसके बाद 17 तारीख की बात है, जो परिजनों का कहना है कि 17 तारीख को उनको सूचना मिली कि उनकी लड़की ने सुसाइड जो है वो कर लिया गया है, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो उसके लड़की के गले पर जो है वो निशान पाए गए, और जो लड़के पक्ष के जो परिजन है, जो अभिषेक के घर वाले हैं, उनका कहना है कि लड़की ने सुसाइड किया, फांसी जो है वो लगाई है। लेकिन गांव ध्वस के जो निवासी हैं या लड़की के जो परिजन हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि लड़के पक्ष द्वारा इसकी हत्या जो है वो की गई है। चलिए जानना चाहेंगे। हाँ जी, रस्सी का साथ में गोटी या प्लास्टिक की रस्सी का के लगोट कर फिर ऊपर टांगी। अच्छा, आपको सूचना कैसे मिली थी? आपने सूचना फिर फोन आया पर पदमा ने जाकर मौका पर देखिया। तो जाम क्यों लगा दिया आप? हैं? जाम क्यों लगाया? जाम नहीं लगाया, लाश नहीं देते, बाकी ना कार्रवाई हो रही है जमीन। तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की? नहीं कही है। इवल लड़का में लोगों को गिरफ्तार कर लिया, तीन एक लड़का ढूंढता होता है दोस्तिया तो रहे हो रहे इवल की ईव लग भी नहीं है। मांग क्या है आप लोगों की? है? मांग क्या, क्या मांग भाई? अरेस्ट और उनके सजा होनी चाहिए। लड़की मार दी जी। कहाँ के हो आप? दोस्त है गांव से। तो लड़की कहाँ शादी की थी? क्योड़क है। तो क्या पूरा मामला, किस तरह से इस बार लड़की से तेज मांग रहे थे, मोटरसाइकिल देती थी, कार मांग रहे, ऑटो मांग रहे, बोले ये ले आओ पैसे ले आओ, घर से कहाँ से ले, 20 लाख साथी में लगाए थे पीछे, वो जाम कर दिया गया है। और साफ तौर पर इनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई जो है वो नहीं की गई, और अभी जो मेन आरोपी है अभिषेक जो नाम बताया जा रहा गांव क्योड़क निवासी है, उसको जो है गिरफ्तार नहीं किया गया। जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी तब तक जो है हम संस्कार नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं शव जो है सड़क के बीच में रखकर, चौक पर रखकर जो है ये जाम लगा दिया गया है। कैथल के करनाल रोड की ये तस्वीरें हैं, सर छोटराम चौक है, वहाँ पर परिजनों द्वारा जो है लड़की पक्ष के जो परिजन है उनके द्वारा जो है यहाँ पर जाम कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करना चाहेंगे। मेरी लड़की की 3 दिसंबर 12वें महीने के 3 तारीख को शादी हुई थी जी। उसी दिन से जी वो दहेज की मांग कर रहे थे अभिषेक के साथ जी। जी क्या हुआ फिर आप क्या? वो दोनों से कहने लग गए जी तो आप गड्डी क्यों नहीं लाई जी, और ज़्यादा गहने लेने थे जी। फिर वो लड़की मेरे को बोली पापा ये तुम्हें कहा गड्डी में, खबर वो गड्डी का अपना कौन ब्यौत है, अगर मेरा गड्डी का ब्यौत होता तो मैं पहले दे देता। फिर वो जो सी मोटरसाइकिल दे थे जी वो भी उन्हें बेच दी जी, वो भी नहीं रखी। फिर अब बार बार उधर उसे तंग कर रहे थे जी सारे परिवार जी। सुरेश लड़के का चाचा जी, लड़का संदीप लड़के का भाई, सुमन लड़के की माता जी, जी। इन्होंने वो उधर उसे प्रताड़ना कर रहे थे जी, उसके साथ मारपीट करते थे रोज, और कल उसने उनका मर्डर कर दिया जी चारों लड़का। तो बताया जा रहा जिस तरह से हमें सूचना मिली है कि लड़की का फ़ोन जो है वो 17 तारीख की रात को भी फ़ोन आया था आपके पास, फ़ोन आया था, लड़की ने किन के पास फ़ोन किया था? 17 तारीख को नहीं आया जी, 16 को 17 को तो कल मरो जी, 16 को फ़ोन आया था जी। 16 को फ़ोन आया था, मेरे पास आया था जी। क्या कह रही थी लड़की? मेरे पास कह रहे थे मैं पापा मेरे आज इतना मेरे को मारा जी और मुझे ले जा। मैं बोला जी चल कल कुल ना ले जाएंगे आप, और मैंने समझा दिया था, बचोला भेज दिया था, बचोला बोले मैंने समझा दिया है, और वो ऐसी कुछ बात नहीं जी। बस उसके बाद उसका मेरा पर कोई फ़ोन नहीं आया जी। फिर अगले दिन बचोला का ही फ़ोन आया जी आपके लड़के की डेथ हो गई है।
तो फिर आप मौके पे पहुंचे तो क्या देखा आपने? मौके पे देखा जी, मेरी लड़की बेड पे पड़ी हुई थी जी, जी। एक लोहे के गार्डर पे चुन्नी टंग रही थी जी, जी। उस पे इतना बिच्चा जी भी बहुत कम भी उस पे सुसाइड हो नहीं सकता जी। जो गार्डर लगा हुआ था चुन्नी बंधी हुई थी उसमें, हाँ उसका सारा तीन 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 चार फुट का ही बस फर्क है जी, जी। मेरी लड़की की 5 फुट से ऊपर आई थी जी, वो 4 फुट के उसका बिच्चा है जी बैठ का। पूरा मामला क्या कुछ बताना चाहिए? पूरा मामला ये जिस दिन से शादी हुई आज तक यही है जी, मतलब दहेज के लिए प्रताड़ित करना, पीटना, मारना, छेदना, गाली गलौज, रोज का उस परिवार का सारे का किस्सा ही बना हुआ था जी। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है जी, गुड़िया के हर रोज फोन आते थे सवेरे शाम, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ डैडी जी ऐसा हो गया, भाई साहब मेरे साथ ऐसा हो गया। हम यही समाज के डर से यही कहते थे कोई नहीं, कल को बात करेंगे, आज बात करेंगे, बचोलिया से बात करेंगे, उन परिवार से बात करेंगे, यही चल रही थी जी हमारा तो। क्योंकि आज हर समाज को, हर व्यक्ति को, हर परिवार को ये डर लगता है मेरे को समाज क्या बोलेगा, चाहे लड़की का कसूर है ना, लेकिन कसूरवार लड़की को ही ठहराता है ये समाज। आपको अच्छी तरह पता है इस बात का कि मतलब कसूरवार लड़की को ही ठहराया जाता है, न कि लड़कों वालों को। लड़के वाले तो एक बार से कुछ भी कर दिया, आज अपने सामने है जी। देखो आप लड़की का मर्डर करके आज भी दो ही अरेस्ट हुए हैं अभी तक, कल की FIR लॉन्च होगी जी। तो मौके पे वो फरार है या घर पे? एक तो लड़का, एक तो फरार है जी, जो मतलब लड़की का पति था, हस्बैंड है, वो तो फरार है जी, लेकिन लड़की की जो लड़के की माँ है जी, वो घर ही है जी मौके पे। तो जैसे आप बता रहे हैं कि काफी बार ऐसे वाक्य हो चुके हैं, काफी बार ऐसा तंग किया गया है, क्या इस बीच भी कहीं पंचायत हुई है, पंचायत में कोई बातचीत हुई है? कितनी बार आप लोगों की आपसे जो लड़का पक्ष है उससे बातचीत हुई है? जो लड़का पक्ष है, मेरे अंकल एक दो बार उसके पास गए हैं जी, बचोलिया को भी लेके गए हैं समझाने के लिए, उनको बोला है। वो उस टाइम कह देते ना जी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है बिल्कुल, ये बातें चल रही थी उनकी। बाद में पता नहीं क्या दोबारा वही काम, वही कार्रवाई अगले दिन, आज कह के गए हैं सवेरे वही काम स्टार्ट जी, रात को बात हुई है सवेरे यही काम स्टार्ट था उनका जी। जो अब हुआ जिससे आप बता रहे, तो ये हादसा कब हुआ, कब जिस तरह से आप करेंगे, लड़की की सूचना आपको किस तरह से मिली? तो कल करीब 3:30 की बात है जी, दोपहर को हमारे पास, कल जो 17 तारीख थी, 3:30 करीब हमारे पास फोन आया जी। उन्होंने फोन खुद नहीं किया, खेड़खवाड़ों ने, उन्होंने फोन किया मेरे अंकल हैं जी द्योरा गांव से, जगनाराम, उनके पास फोन किया भी ऐसे ऐसे दोस्त वालों को सूचित कर दे उनकी लड़की ने आत्महत्या कर ली, हमको ये कह के मतलब ये कहा गया कि आपकी लड़की ने तो सुसाइड किया है जी। लेकिन जब हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा लड़की ने बिल्कुल भी सुसाइड नहीं किया था जी, एक मर्डर था, सोची समझी चाल के तहत लड़की का मर्डर किया गया है, उसकी मतलब बिल्कुल निर्दयीय मतलब तरीके से उसको गले घोट के या फांसी दे के कैसे भी उसकी मतलब घर के पूरे परिवार के सदस्यों ने मिलकर उसकी हत्या की गई है जी। तो मौके पे आप जब पहुंचे, जब आपने सामने जब लड़की बेड पे थी, तो उस पर कोई गले के पर कोई निशान किस तरह का? गले पे पूरा निशान था जी, ऐसा निशान था, वो तो बोल रहे हैं कि लड़की मतलब आपकी लड़की ने सुसाइड 3 बजे किया था, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि लड़की का जो सुसाइड था ना, जो वो सुसाइड का नाम दे रहे हैं, आत्महत्या का नाम दे रहे हैं, वो उसका मर्डर करीब रात को 2:30 के करीब हुआ है जी, 2:30 के बाद नहीं, बिल्कुल भी करीब 2:30-3 बजे के बाद। तो जैसे बताया जा रहा है कि 16 तारीख की रात को भी लड़की ने फोन किया अपने पिताजी के पास, हाँ जी, तो इस तरह की का भी फोन आया लड़की? हाँ, लड़की ने यही कहा था कि डैडी मेरे को ले जाओ, ये मेरे को बख्शेंगे नहीं, अब बहुत हो गए, मेरे को मारेंगे, मारने भी फिर रहे हैं मेरे को, ये सारा परिवार दांत पीस रहे हैं मेरे को, ये बख्शेंगे नहीं, ले जाओ। मेरे अंकल थे जो उनके लड़की के पिता थे, उन्होंने यही बोला बेटा कोई नहीं, हम समझाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता, समाज का भी देखना पड़ता है, बड़ी मुश्किल ने तेरी शादी की थी, 4 पैसे इकट्ठे करके तो तेरी शादी की थी मैंने, अब मेरे पास इतना जुगाड़ नहीं है, मैं तेरे को रोज लेके जाऊँ, ये करूँ, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा बुझा कर परिवार के सदस्यों को एक दो को लेके आऊँगा, बचोलिए से बात करेंगे, इनके साथ बात करेंगे, और कोई बात नहीं बेटा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ठीक क्या होना था जी, ये सब आपके सामने है, मेरी जो सिस्टर थी प्रियंका, उसको जानबूझकर बिल्कुल साजिश के तहत उसका मर्डर किया गया। कितने की उम्र बताई जा रही है? तो जो मेरी सिस्टर थी प्रियंका, 21 साल के करीब उसकी उम्र थी। लेकिन मौके पर बात करें तो SDM महोदय भी आए हैं, हम वहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्या कुछ बातचीत होती है। SDM महोदय जो है वो पहुँचे हैं, डीसी साहब ने बुलाओ, और एक मिनट और SDM महोदय जो मौके पे पहुंचे हुए हैं वो बातचीत देखिए क्या धक्का कर रहे हैं, उनको उठा लो देखियो, देखिए टीम क्या कह रही हूँ, आप देख रहे हैं कि SDM महोदय और DSP कुलवंत जी पहुंचे हैं, SPV झूठ बोल रहे हैं, बॉडी जो है वो इस तरह से बिल्कुल फिलहाल है, SDM महोदय के कहने पर डेड बॉडी को यहां से उठा लिया गया, देखिए अब संस्कार के लिए शायद ले जाया जा रहा है जी, बिल्कुल डेड बॉडी को जो है वो उठा लिया गया है और गाड़ी में जो वो रखा जा रहा है। लेकिन जाम की स्थिति आपको बता दें, फिलहाल जो है SDM महोदय के आश्वासन पर ये जाम जो है वो खोला
खोला जा रहा है। फिलहाल डेड बॉडी को तो जरूर उठा लिया गया है, लेकिन जाम की परिस्थिति की अगर बात करें तो जाम जो का तो बना हुआ है, लेकिन एसडीएम महोदय संजय दत्तरवाल जी के आश्वासन से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जाम जो है वो खोल जो है वो दिया गया है। एसडीएम महोदय के आश्वासन से ये जाम जो है पूरा मामला है। कल हमें करीबन 4:15 के आसपास सूचना मिली थी कि एक लड़की ने जो सुसाइड कर लिया है, तो उस संबंध में हम घर पे गए थे। हमें वहाँ लड़की उतार रखी थी, बेड पे लिटा रखी थी, और जो चुन्नी वगैरह थी वो लटकी हुई थी वहीं कमरे में गाटर पे। वहाँ पे हमने जो हमारी कार्रवाई करके फिर उसके फादर के बयान अंकित कर लिए, मुकदमा दर्ज कर लिया, उस पर कार्रवाई कर। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? इसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लड़की का हस्बैंड, उसका लड़के का भाई, उसका चाचा और उसकी मम्मी। सर कोई लड़की के शरीर पर कोई निशान वगैरह पाए गए? नहीं, लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं है, सिर्फ गले पे निशान है, जैसे वो फांसी लगाते हैं ऐसा निशान है। वो देखते हैं इन्वेस्टिगेशन में क्या है, उसमें और कोई निशान नहीं। एक कल एक चोड़क में नौ आई थी, एक्सपायर होने पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी भी अरेस्ट होने के मुलजिमों को अरेस्ट जमा लगा। ये कहाँ के हैं सर? गाँव दोस्त के रहने वाले। इनकी क्या मांग थी सर? मांग ये है भी मुलजिमों को जल्दी जल्दी अरेस्ट किया जाए। जो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई का प्रयास करते हैं सर, क्या कुछ आश्वासन दिया गया जाम जो है वो लगा था सर? जाम देखिए, मेरे पुलिस पहले से इस काम पे लगी हुई है और मुझे मेरी पुलिस की काबिलियत पे पूरा भरोसा है। हम शाम तक हर हाल में जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार कर रहे हैं।